बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने आज शादी के महज 2 महीने बाद अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की। उनकी इस गुड न्यूज के बाद आलिया रणवीर को कई लोगों ने बधाई दी, तो वहीं कई लोग उनका मजाक बनाते हुए भी नजर आए। दरअसल शादी के महज 73 दिन बाद आलिया की यह गुड न्यूज फैंस को थोड़ी अटपटी लगी। वैसे आलिया रणवीर के पहले ऐसे कई सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने शादी के तुरंत बाद ही गुड न्यूज सुना दी। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने शादी के कुछ ही महीनों के अंदर गुड न्यूज दे दी। लिस्ट में नंबर 1 पर है दिया मिर्जा। दिया मिर्जा ने वैभव रेखी से 15 फरवरी 2021 को शादी की थी। शादी के 1.5 महीने बाद ही दिया ने 1 अप्रैल 2021 को मालदीव से अपने हनीमून के दौरान बेबी के आने की गुड न्यूज शेयर की थी। उनकी इस प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट से हर कोई हैरान रह गया था। लिस्ट में नंबर 2 पर है शाहिर शेख और रुचिका कपूर। टीवी के मशहूर एक्टर शाहिर शेख ने रुचिका कपूर से 19 अक्टूबर 2020 को शादी की थी। शादी के महज कुछ ही महीनों बाद शाहिर की पत्नी रुचिका की प्रेगनेंसी की खबरें सामने आने लगी। हालांकि दोनों ने इस बात को बिल्कुल गुपचुप रखा था। सितंबर 2021 में शाहिर और रुचिका ने अपनी शादी की पहली सालगिरह से पहले ही अपने पहले बच्चे के रूप में एक बेटी का स्वागत किया। इस लिस्ट में कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा का नाम भी शामिल है। कपिल शर्मा ने गिन्नी चतुर्थ से दिसंबर 2018 में शादी की थी और शादी के कुछ ही समय बाद कपिल ने पापा बनने की खुशखबरी शेयर की। दिसंबर 2019 में अपनी शादी की पहली सालगिरह से पहले ही कपिल और गिन्नी अपनी बेटी अनायरा के पेरेंट्स बने। बेटी के बाद कपिल ने 2021 फरवरी में अपने दूसरे बच्चे त्रिशांत का भी स्वागत किया। इस लिस्ट में अगला नाम है स्मृति ईरानी का। एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी ने जनवरी 2021 में जुबिन ईरानी से शादी की थी। जनवरी में शादी करने के बाद उसी साल अक्टूबर में स्मृति ईरानी ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। लिस्ट में अगला नाम है नेहा धूपिया और अंगद बेदी का। नेहा धूपिया ने मई 2018 में अंगद बेदी से गुपचुप तरीके से शादी की थी और शादी के महज 2 महीने बाद ही नेहा ने अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज देकर फैंस को सरप्राइज कर दिया था। नेहा ने नवंबर 2018 में बेटी मेहर को जन्म दिया था। लिस्ट में अगला नाम है हार्दिक पंड्या का। क्रिकेटर हार्दिक पंड्या ने मॉडल और एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक से 31 मई 2020 को शादी की थी। 31 मई को शादी करने के महज 2 महीने बाद ही 30 जुलाई 2020 को नताशा ने अपने बेटे अगस्त्य पंड्या को जन्म दिया था। इस लिस्ट में अगला नाम है पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा का। टीवी के इस फेमस कपल पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा ने 2020 मार्च में शादी की थी। शादी के 1 महीने बाद पूजा ने अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज शेयर की और 9 अक्टूबर 2020 को कपल ने अपने पहले बच्चे के रूप में एक बेटे का स्वागत किया। लिस्ट में अगला नंबर है एवलिन शर्मा का। एवलिन ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड तुषार बिंडी से शादी की थी और शादी के महज 2 महीने बाद ही उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज शेयर की। लिस्ट में अगला नाम है सेलिना जेटली का। सेलिना ने दुबई बेस्ड ऑस्ट्रेलियन बॉयफ्रेंड पीटर हॉक से जुलाई 2011 में शादी की थी और शादी के महज 4 महीने बाद ही नवंबर 2014 में सेलिना ने अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज शेयर की। शादी के अपनी पहली सालगिरह से पहले ही सेलिना जेटली ने दो जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। लिस्ट में अगला नाम है महिमा चौधरी का। महिमा चौधरी ने जब बॉबी मुखर्जी से शादी की तो उस वक्त वो 5 महीने प्रेग्नेंट थी। लिस्ट में अगला नाम है कोंकणा सेन शर्मा का। कोंकणा सेन शर्मा भी अपनी शादी के वक्त प्रेग्नेंट थी और शादी के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया था। लिस्ट में अगला नंबर है श्रीदेवी का। वैसे तो श्रीदेवी अपनी शादी के वक्त प्रेग्नेंट थी। जब उन्होंने बोनी कपूर से शादी की तो वो अपनी पहली बेटी जानवी कपूर को जन्म देने वाली थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।